हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हुए सुबह के 9। तो आज हम फिर से लग गए साफ सफाई में। आज अभी तक हमारी अलमारी बनी नहीं, ये देखो। अब तक बस ये क्या बोल रहे हैं ना, ये किवाड़ सी खिड़की चढ़ी। अब तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ। और तो और अभी जो है अंदर जो भी लोगर वोकर जो भी रैक वैक बनवा रहे हैं वो भी अभी इनकम्प्लीट है। आधी बनी आधी नहीं बनी हुई अब तक। तो अभी जो है हमारे इस वाले यहाँ बरामदे में सारे को कपड़े कपड़े पहले पड़े, ये देखो सारे को कपड़े कपड़े अलमारी में अभी मैं सेट करने लग रही कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े इस वाली अलमारी में मेरे ही आवे। मेरी अलमारी है, मतलब बस मेरे ही कपड़े रखे जा। मीर के पापा के कपड़े रखूँ मैं इस वाली अलमारी में, जो हमारी नहीं बनने लग रही। पहले भी इसमें रखू थी और अब इसमें कुछ मैं भी रख लूँगी, क्योंकि अब तो एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएगी। तो अभी जो है सारे के सारे कपड़े सेट कर रहे, बहुत सारे कपड़े उधर भी रखे, वहाँ से भी लेकर आने लग रही मैं नए कपड़े सारे। अपने उसमें हैंगर में टांग के लगा रही, और जो पुराने हैं वे ऐसे लगा रही, और जो पहनने के नहीं है वे सारे अलग कर रही। तो अभी बस दिखा दी, जो नए नए से कपड़े सूट है मेरे नए नए, एक बारी पहने वे सारे यहाँ टांग दिए। और भी बहुत सारे हैं पर वे सारे दब गए, मम्मी ने गट्टी बांध के रख दिए, तो वे तो बाद में लगाऊंगी। कुछ इस बॉक्स से मैं रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, ये भी यहाँ तो रह रहा। और ये सारे कपड़े जो मुझे पहनने नहीं ये अलग रख दिए, और कुछ कपड़े ये रहे, कुछ कपड़े नहीं यहाँ, तो ये तो तकिया वकिया सीधे रहे यहाँ तो। और व्यू के पापा के भी मुझे इनमें था कुछ कपड़े छाटने, जो पुराने हो गए वे नहीं पहनने दूंगी, भी नहीं बस वे हटा दूंगी सारे के सारे। और यहाँ भी दरे कुछ तो, और अंदर दिखा दो आपको, अंदर वहाँ ही रखे इनके नए कपड़े। इसमें कुछ पैंट कोट वगैरह है, कुर्ता पजामा है, ये भी देखने, क्योंकि शादी में हम चाहेंगे अगर इन पर ड्राई क्लीन की जरूरत होगी दोबारा, क्योंकि बहुत टाइम के दरे ये, तो देख लेंगे नई निकाल रखे मैं एक बार चेक कर लेंगे, प्रेस व्रेस करवा लेंगे फिर से। तो अभी जो है कमरे की हालत ही आया है, दिखा दूंगा आपको खोल के। ये देखो यहाँ ये बनने लग रहा है, एक यहाँ बन रहा और एक यहाँ नीचे बनने लग रहा है। ये अभी तो इसमें बहुत काम रह रहा, मिस्त्री आऊँगे 10 बजे। ये देखो और ऊपर भी चढ़ गए यहाँ पल्ले चढ़ गए, हाँ सॉरी याद आ गया मेरे पल्ले। और बाहर देख लो पूरा दिन हो रहा, सारे को सामान बिखरा पड़ा मिस्त्रियों का, टाइम लगेगा बहुत। वे कह रहे कि शादी तक हो जा तो बहुत बढ़िया बात है, पर पता नहीं शादी तक हो पाओगा काम या नहीं। मेरा अकेली का फोटो लग रहा है यहाँ, जो मैं उतारा ही नहीं, वो लग रहा लग ही रहा बस। अभी माँ के पैदल ही है, बंद नहीं होना था, इसे खुली रखोगे अलमारी खुली बनवाई। वो आ लिया इसे सब पका दिए, पीके भाई पीके भाई अरे पीके भाई है वो। अच्छा तेरे जैसी मॉम ना लो भाई हो गया काम। ओ हो 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 ओ हो हो बस बस जोर का ना मारो। आराम आराम से मजाक मना ले इस बात को। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने निकाला था 12 बजे जाओ रात के, 12 बजे 1 बजे 2 बजे मजे लगा है, मतलब जो केमिकल्स है वो अंदर बॉडी में प्रवेश कर गए। अच्छा केमिकल लो लो देख लो सारे कोट पैंट का क्या कर रहा है, देखो क्या करवाया इससे कुछ काम लगा है मेरे कोट पैंट में। वाह मारा भाई मेरे ऊपर हमला कर दिया, इससे लड़ना पड़ेगा तुम्हें। देखी मुंह नंगे। हां मम्मी चल दी आज मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, 2-4 चीज लेकर आऊंगी। और आज जाऊंगे बाइक पे, विक्रांत भैया है, वासु भैया और मम्मी। अभी हुआ दे रख दिया क्योंकि बाइक पे जाएंगे ना, इसलिए देखो मम्मी चल दी। अभी 11:30 हो रहे हैं, मम्मी गई, अब मैं पहले नहा लूँ उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो गाइस अभी मैं नहा ली और अभी जो है मैं आ गई किचन में, अब बनाऊंगी खाना। अभी मैंने आलू उबाल लिए क्योंकि कल हमने शाम के टाइम साग बनाया था, तो मैं सोच रही कि उनके पापा की तबीयत भी ठीक से नहीं है, तो उनके लिए आलू के पराठे बना दूंगी और फिर से इतने सारे बर्तन होंगे। सही कह, सिंक कभी खाली नहीं रह सकती, इसमें बर्तन जरूर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। तो अभी जो है पहले आलू उबाल तो लिए मैंने, इन्हें छोड़ लूँ और आटा बना लूँ
और मम्मी नु कह रही थी कि मतलब मम्मी तो करती है तो उनकी बड़ी भैया की रोटी बना कर रख दी है, जिस भी टाइम आऊंगा बना कर खा लेंगे, तो बस उनकी तो खाना बना कर रख दूंगी मैं, क्योंकि उन्हें टाइम लग सके शायद। अभी 1:30 बज गया और अब जाके मेरे पापा उठे, तो अभी जो है मैं उनके लिए बना रही गोभी के परांठे। आलू के सोच रही थी बनाने की, लेकिन मुझे गोभी दे रही थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो गोभी तो बना लूँ, आलू के तो खाते रहे बीच में कभी ना कभी, और बचे आलू इनकी शाम को सब्जी बना लूँगी। और अभी जो है मैंने जल्दी जल्दी गोभी कस ली, सारा काम कर दिया, इसमें सारे मसाले भी डाल दिए, आपको नहीं दिखाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी, अभी उठ गए तो उनके लिए बना दूँगी। तो चलो आपको मैं एक बार दिखा दूँ, वैसे देखो ये मैंने गोभी का जो स्टफिंग है वो रेडी कर ली। अभी इसमें बस एक चीज़ है डालनी, नमक। नमक मैंने इसमें तभी इसलिए डाला कि पानी सा छोड़ देना फिर नमक डाल के। तो अब जब बनाने लगूंगी, मैंने रेडी कर लिया आटा भी, गैस भी चला रखी, तो इसमें इसमें डाल दूंगी मैं नमक। जैसे तैसे करके मैंने ये बना तो दिया, लेकिन गोभी का पराठा बनाना आसान नहीं है। आलू के भी बन जा, मूली के भी बना लूँ मैं, पर गोभी के आज पहली बारी बनानी, वैसे तो पहले बनाए होंगे याद नहीं मेरे, तो शायद मम्मी ने ही बनाए थे पहले, तो वो है सारा ध्यान तो बनाने पड़ा है ये। वैसे मैं आपको बता रही, आपको तो सब आते ही होंगे बनाने, ये देखो अभी मैंने व्यू को, हाँ मुँह चढ़ गया मेरा, दो गे रखी इसका मुँह चढ़ गया, दीदी ला रही पानी, तो दोनों को खिला दिया बापू बेटा वो, तो वो तो लेट रहे, और दवाई सुबह के टाइम ले रही थी, तो फिर उनकी दवाई नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अब की बात तो ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो ये कभी इतने नहीं लेटते, मतलब जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जब भी लेट है वो काम हो रहा, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। पराठे के साथ पानी कौन ले बेटा, गाइस इनकी आदत ज्यादा खराब है मेरे पति देव की है? हसो मुस्कुराओ खुश रहो अपने आप ठीक हो जाओगे, ज्यादा टेंशन ना मानो गाइस, ये पता नहीं क्यों ज्यादा टेंशन मान रहे, मैं भी बीमार हुई थी पर मैं इतनी टेंशन नहीं माननी, मैं कहा था मैं एक बार भी है? है? है तो फिर बस टेंशन फ्री रहो, हो जाओगे ठीक। ये देखो दवाई भी यही रखी इनकी। तो गाइस अभी जो है मैं पहले बर्तन साफ कर लूँ, रोटी का जो है चून मैंने रोक दिया क्योंकि मिस्त्री ने नहीं खानी अभी और मम्मी अर भी नहीं आए, मगर चलो जब भी बना दूंगी जब भी आऊँगी, अगर पहले मेरा काम ही नहीं मट गया उसके बाद बना दूंगी। तो अभी जो है ये देखो सारी रसोई जो है फैली पड़ी है मेरी, इसे पहले समेट दो सारी को। यू गुस्सा हो गया तब मैंने छोड़ के चले गए थे, लाए भी नहीं कुछ खाने को, मम्मी हर बार कह रहे हैं हमें राजी गड़बड़ कर दी, आइसक्रीम लाए थे मम्मी जी, आइसक्रीम तो ठीक करा नहीं लाए है भाई, कुछ नहीं लाए खाने को, व्यू कुछ नहीं लाए खाने को। गाइस देखो अपने बेटे की खातिरदारी चल रही, क्यों हो गया अच्छा तो मैं तो थी ना, माँ कब्जा कर मजा लगा, इसे तो घर जाना पड़ रहा था, तभी बोलोगे किसी को ना बोलने दो, लो कोई फर्क नहीं, भी गो दिया बहुत बढ़िया लगी होगी। अरे और चाप की मेरा क्या कहना है, अरे इस बम्बू के बाहर चाप दे बर्फी ना, लव यू आजा लव यू गाने बिग्यानी
खेल ले इसके साथ। गाय जी देखो छोटे से कान्हा जी, भगवान जी मुझे बोलना सिखा दो जल्दी। चाचू जा रहे पैर छूले और पैर छूले मोड़ रहे तो ज्यादा बड़ा मोड़ रहा है। जल्दी पैर छू इस पे जाओ नु गए गए वे तो कल धनतेरस है और हमें पता तक नहीं, हमें लग रहा है कि परसों को होगी लेकिन अभी वीडियो में देखा और आसपास यहाँ पर 26 पड़ोस में तो कोई कह रहा कल है कोई कह रहा परसों है लेकिन शायद कल ही मनाओगे सब क्योंकि 12 तारीख की दिवाली बता रहे संडे की और सबके ना लाइट्स भी लगी तो लड़ी भी लगी हमारे तो लड़ी भी नहीं लगी। अब की बार का इस दिवाली की हमारी कोई भी तैयारी नहीं हो रही, बस शादी में उलझे पड़े हम सब, शादी में उलझे पड़े कि भाई शादी है घर में तो उसके चक्कर में अब की बार हमारी दिवाली ऐसी होगी कि क्यों, क्योंकि मिस्त्री ने खत्म करके देने काम, मिस्त्री का काम खत्म हो जाता ना तो हम दिवाली पे एकदम बढ़िया अपने घर को चकाचक बना देते, पर क्या करें इसी वजह से हमारी दिवाली अब की बार दिवाली से नहीं लग रही।